सो राइट, कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों की उन्हें वाइफ छोड़कर चली जाती है, ओके ऐसे ही हस्बैंड अपनी वाइफों को छोड़ के चले जाते हैं. आई डोंट नो अबाउट रीजन क्यों छोड़ के चले जाते हैं, वट एवर इट इज़, ओके वो कोई पर्सनल मैटर होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ इन्हें वापस बुलाने में, ओके अगर आपकी वाइफ आपको छोड़कर गई है तो मैं उनको बुला सकता हूँ, ओके पर्सनली नहीं, बस कुछ सजेशन देके, ओके सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट. Up and just felt right, phone blown like a tailpipe, it's a big schedule, airtight, it's on a short day into a long night, see you soon if you got the heart, meet you outside when you... सो ओके अगर आपकी वाइफ आपको छोड़कर चली गई है, ओके अगर आपकी वाइफ आपको छोड़कर चली गई है, सिमिलरली आपका हस्बैंड आपको छोड़कर चला गया है, तो ऐसे में हमारे पास एक प्रोविजन होता है अंडर सेक्शन 9 ऑफ HMA हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स. ओके एक छोटी सी एप्लीकेशन लगानी होती है, छोटा सा केस फाइल करना होता है कोर्ट में, तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट डिक्री पास करता है उसके अगेंस्ट जो गया हुआ है, फिर वो हस्बैंड हो वाइफ हो, ओके उसके पास डिक्री जाती है, फिर उसको सफिशियंट रीजन देना पड़ता है, या तो वो आ जाती है, ओके या फिर वो आ जाता है, अगर वो नहीं आता तो उसे एक सफिशियंट रीजन देना पड़ता है, आई मीन कोई भी मारपीट का कुछ भी, ओके सो जैसे ही आप केस फाइल करते हो कुछ समय बाद आपको डिक्री पास हो जाती है, जैसे ही डिक्री उसके पास जाती है वाइफ या हस्बैंड के पास एज द केस में भी, तो उनको आना पड़ता है, ओके लेकिन इसकी एक कंडीशन है, कंडीशन ये विदाउट सफिशियंट कॉज होना चाहिए, ये नहीं है वाइफ ने आपके ऊपर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस पहले से ही अप्लाई किया हुआ है और वो दूर रह रही है, अपने मायके में रह रही है, तब आप इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकते, ओके तब उठा सकते हो जब कोई मैटर है नहीं, आई मीन कोई मैटर केस कोर्ट में नहीं है, ओके सो गए अब बात करेंगे हम कि आप केस कहाँ फाइल कर सकते हो, आई मीन जो अंडर सेक्शन 9 के तहत आप छोटा सा वो एप्लीकेशन और केस डालोगे वो कहाँ कर सकते हो, अपने जहाँ आपका रेजिडेंस है, आपका परमानेंट रेजिडेंस है किसका, लड़के का, वहाँ कर सकते हो, जहाँ लड़की मैरिज होके आई है वहाँ कर सकते हो, या फिर जहाँ की लड़की है, आई मीन जहाँ वो लड़की गई है अपने मायके में गई है छोड़ के आपको, वहाँ भी कर सकते हो, ओके सो दैट्स कंक्लूड द वीडियो एंड इट्स ऑल अबाउट पति पत्नी, ओके सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम, ओके So I am going to make more videos. Meanwhile, you don't forget to stay stylish and stay aware. I will see you in the next video. Cheers.